उत्तर पूर्व दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोमवार सुबह से जो हिंसा है वो देर रात तक जारी रही, तो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग और समर्थक आमने सामने आ गए और अब तक एक हेड कांस्टेबल समेत 5 की मौत हो गई है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों समेत 70 लोग घायल हो गए हैं। तो दिल्ली में 10 जगहों पर धारा 144, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जीटीपी और कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, कई गाड़ियों में आग लगाने के साथ ही उपद्रवियों ने दुकानों में भी तोड़फोड़ की। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन में 5 लोगों की मौत, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस पर पिस्टल तानता ये शख्स दिखाई दे रहा है। तो पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां इस स्थिति को देखते हुए तैनात की गई। तो दिल्ली में 10 जगहों पर स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया। अमित, देर रात भर की हिंसा लगातार जारी है जिसको देखते हुए कई इलाकों में धारा 144 लागू। जी बिल्कुल, देखिए देर रात जो हिंसा हुई, भीड़ इतनी उग्र थी कि सबसे बड़ी चीज, जो आम आदमी अगर कोई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी पीटा जा रहा था, और इसके साथ ही सारे सीसीटीवी कैमरे जो थे उन्हें पहले तोड़ दिया गया और उसके बाद हिंसा भड़की, जिसके बाद फिर पुलिस और लोगों के बीच जो फायरिंग हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल है, उनकी भी मौत हुई है। हालांकि इसे लेके देर रात गृह मंत्रालय की बैठक भी बुलाई गई जिसमें कि हिंसा पे जल्द से जल्द कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसे लेके अब राजनीति भी शुरू हो गई। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो एलजी से मिलने पहुंचे और उसके बाद एलजी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, राहुल गांधी अलग ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार के ऊपर सीधा दोष दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अभी तक हालात जो है वो पूरी तरह से काबू में नहीं हुए हैं। कई पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां जो है वो वहां पे तैनात की गई हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मेट्रो स्टेशन है जिन्हें बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पे, और पुलिस यहाँ मार्च कर रही है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरह से एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया उसका असर भी साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति? देखिए प्रदर्शनकारी उस तरह से वहां पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी जो कि गलियों में घरों में बंद थे वहां पे अगर पुलिस फोर्स को देखा जाता है तो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी और इस तरह की चीजें जो है बीच बीच में छिटपुट घटनाएं जो है वो नजर आती हैं। और जो खासतौर पे जो रात में जो हिंसा भड़की थी, जो लोग थे उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा दिया गया है। वो प्रदर्शनकारी जब लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, तो उसके बाद वो प्रदर्शनकारी वहां से गायब हो गए। फिलहाल जो है अब पुलिस की संख्या और जो पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया, और सब मेट्रो स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था उन्हें बंद कर दिया गया है। अमित, कौन कौन से ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो बंद रखे गए हैं एहतियात के तौर पर, और धारा 144 का किस तरह से असर? अगर हम बात करें तो गोकुलपुरी, वजीराबाद, जाफराबाद, भजनपुरा, इसके साथ साथ और अन्य कई मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद है। यहाँ तक कि जो ट्रेन है वो वेलकम तक ही जाएगी मेट्रो, और वेलकम से आगे जो जिन स्टेशन के मैं नाम ले रहा हूँ वहां तक जो मेट्रो है वो उसका संचालन नहीं होगा, सिर्फ वेलकम तक मेट्रो जाएगी और वहीं तक वहीं से वापस आएगी। तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी भी होने वाली है क्योंकि आज से बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही है। जो जिन इलाकों में घटना हुई है वहाँ बोर्ड परीक्षा रद्द करने की अपील की गई है। हालांकि अब तक सीबीएसई इस बात को साफ कर चुका है कि परीक्षा अपने टाइम पे होगी और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। पुलिस की तैनाती जरूर की गई है और कई ऐसे इलाके, लगभग 10 से 12 इलाके ऐसे हैं जहां इस तरह की घटना देखने को मिली थी, और दिल्ली पुलिस के भी कई जवान जो है वो घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल अमित, लोगों को कहीं ना कहीं आवाजाही जो है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में तनावपूर्ण लगातार स्थिति बनी हुई है, अलर्ट मोड पर है इस वक्त पूरी दिल्ली, तो ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो काफी दिक्कतों का सामना है, तो प्रशासन का उनके लिए क्या कुछ कहना, उनके लिए किस तरह के कदम?
देखिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा के लिए मौजूद है, और रात जैसा मैं बता रहा था कि देर रात जो बैठक हुई इसमें गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जो है हालात को काबू में किया जाए, और इसी वजह से कई कंपनियां जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पे तैनात की गई, और जिन इलाकों में घटना हुई थी वहाँ बाकायदा पुलिस मार्च कर रही है, और चूंकि अब तक जो है पुलिस को आगे भी छानबीन करनी है और इसे लेके जांच भी करनी है, तो वो प्रोसीजर भी देर रात से ही आगे बढ़ चुका है। तो अब चूंकि हालात अभी सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था कि पूरे इलाके में जिन इलाकों में खासतौर घटनाएं हुई है वहां पे धारा 144 लगा दी गई है, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ड्यूटी कर्मियों की बात करें तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बड़ी मुसीबत होने वाली है, जो पेपर देने के लिए सीबीएसई के पेपर जो स्टार्ट हो रहे, परीक्षा स्टार्ट हो रही है, उसके लिए जो लोग निकलेंगे उन्हें भी यहाँ पुलिस परमिशन की जरूरत होगी, बाकायदा आई कार्ड दिखाना होगा कि वो पेपर देने जा रहे हैं, और उसके बाद ही यहाँ से निकलना पॉसिबल होगा, क्योंकि धारा 144 होती है तो कहीं पे भी चार या छह व्यक्ति जो है वो एक साथ खड़े नहीं हो सकते, इक्का दुक्का करके ही निकला जा सकता है। तो ऐसे में इन छात्रों को भी एक और दो के गुट में ही निकलना होगा या पुलिस की परमिशन लेनी होगी। चलिए अमित, आप हालातों को लेकर नजर बनाए रखिए, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए।